खजाने पर बुरी नजर डालने वालों,
आओ बिजली आओ, मारा नसीब तो भगवान ने स्पेशल बनाया है। अरे जब तुम सुंदरियां हमारी दुकान पर आती हो ना तो यहाँ रौनक छा जाती है और खुशी से मारा दिल धक 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 उछलने लगता है। बिजली को हाथ लगाएगा तो जल जाएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे कहने का ये मतलब है कि आज तुम क्या क्या लाई हो। शहद, काली मिर्च, दालचीनी और जड़ी बूटी। रामदीन रामदीन ये सब ले जाए यहाँ। क्यों लाला, दूध मिलेगा क्या? दूध? अबे ये किराने की दुकान है, भैंसों का तबेला नहीं, चल भाग जा। जाने कहां कहां से आ जाते हैं। अरे हाँ लाला, इस ताले की चाबी गुम हो गई है, जरा इसे खोल दे। लाला चाबी क्यों लाला, क्या हुआ तुझे, तेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? क्या करूं बिजली, जब तुम सामने खड़ी हो जाती हो ना तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं। पागल हो गया है लाला, इतना छोटा ताला और इतनी बड़ी चाबी। तेरे की सब गड़बड़ हो जाती है, क्या है ना कि तुम लोग को देखता हूँ तो कुछ फिर सुझा ही नहीं देता। ये देखता हूँ, ले बिजली अब खुश हो जा। हाँ ले रामदीन। हाँ लाला जी। इन लड़कियों को सामान दे दो। जी लाला जी। और सुनो, बिजली और रूपा को भी सामान दे दो। लाला जी ठंडा पानी पी लो। लायक, जब भी मैं कोई शुभ कार्य करने लगता हूँ तो बीच में टोक देता है। लाला जी जब मोटर कार गर्म हो जाए ना तो उसका बोनट खोलकर उसमें ठंडा पानी डाल देना चाहिए। अबे तुझे कैसे मालूम मेरा इंजन गर्म है? मोर न चाकी सुनने देखा। अरे कमर टेढ़ा हो गया बाबा, इस जंगल में झटका खाते खाते जी। अन्ना स्वामी, बड़ा काम करना हो तो झटके खाने पड़ते हैं। अरे झटके में बहुत मजा है दोस्त। बादशाह बाबा, ये खजाना लूटते लूटते अपना काम न हो जाए, ये जंगली लोग बहुत खतरनाक होता जी। अरे अन्ना स्वामी, इस बादशाह ने तो शहर में बड़े बड़े बैंक लूटे हैं, ये तो जंगल के खजाने की बात है, ये जंगली लोग हमारा क्या बिगाड़ेंगे हैं? पिस्तौल देखते ना हाथ में, गोली की आवाज सुनते ही भाग जाएंगे। अरे कोई है? सलाम साहब, मेरा नाम हरिया है, मैं यहाँ का वॉचमैन हूँ। मुझे मालूम था आप लोग आने वाले हैं, आपके आराम का पूरा इंतजाम कर दिया है मैंने, चलिए। अरे हमारे आदमी कहीं नजर नहीं आ रहे, दारू पी के ऊपर तो नहीं पड़े हुए हैं? साहब, आपके दोनों आदमियों को सुंगू कबीले की रानी बिजली ने खत्म कर दिया साहब। क्या बिजली? अरे हमने शहर में अच्छे अच्छों की बिजली गायब कर दिया है, ये कौन बिजली है जिसने हमारे आदमियों को खत्म कर दिया? आओ देखें, ये बिजली हम पर गिरती है, हम बिजली पर। चलो बाबा, थोड़ा सबर करो जी, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाएगा जी। नहीं अन्ना स्वामी नहीं, अपराध की दुनिया में खून का बदला खून, और बादशाह बदला लेने में कभी देर नहीं करता। चलो ये शहर नहीं जंगल है सर, यहाँ के जंगली जानवर आप लोगों पे टूट पड़े। वॉचमैन ठीक बोला जी। अरे क्या ठीक बोला, क्या हम उस जंगली लड़की को अपनी जीत का मजा लेने दें? ना 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 साहब,
मैं आपको एक ऐसा आदमी लाकर दूंगा जो आपकी हार को वो जीत में बदल देगा। कौन है वो आदमी? मुम्बा कबीले का सरदार। वाले कौन साड़ी वाला? मैं कि तू? साड़ी नहीं, माटी मिले ऊंचा सुनता है शायद। साड़ी नहीं, दाढ़ी। दाढ़ी क्या दाढ़ी है तेरी? हाय हाय दाढ़ी। हाँ। अरे ऊपर वाले ने बड़ी फुर्सत से इसको बनाया मेरी रानी। अरे ये तो मेरी आन है दाढ़ी, और मेरी शान है दाढ़ी, मेरी जान है दाढ़ी। ओए दाढ़ी दाढ़ी, ओए दाढ़ी दाढ़ी, ओए दाढ़ी दाढ़ी, ओए दाढ़ी दाढ़ी, हाय हाय। अरे सुन मेरे चिकने, हाय हाय। दिल करता है तेरी दाढ़ी को शहद डालकर चूसूं, अब उसाम का मजा आएगा। बात तो तू बहुत मीठी मीठी करती है, पर तू है कौन? क्या नाम है तेरा? हाय रूपा। पहले रूप कुमार था, बाद में तेरे जैसे जंगलियों के चक्कर में आपको रूपा बन गई। मैं कुछ समझा नहीं, तू लड़का है कि लड़की है? आय हाय मैं तो ये हूँ मेरे चिकने। मैं फिर भी कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, तू हाँ। ये बार बार ताली क्यों बजाती है? बजाता है मेरे चिकने। अरे ताली ही क्या, पेड़ के पीछे चल, तेरा तबला भी बजा दूंगी। हाँ दिन मेरे राजा, बलिहारी जाऊं। अरे अरे भाई, मेरे राजा चल दोनों मिलकर जोड़ी बना लेते हैं। अरे मैं साड़ी तू दाढ़ी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, अरे मैं ही जड़ा तू तगड़ा, अरे दोनों की जोड़ी एकदम। अरे रुक रुक रुक, अरे भाग गया माटी मिले, अरे नाश पीटे मेरे साड़ी की आग तेरी ताड़ी में लग जाए। हाँ आ जाओ साहब, यही है जंगा। आओ। अच्छा है, बहुत अच्छा है। उठाए बैठिए,
मेरा नाम बादशाह है। मैं नाम का ही नहीं दिल का भी बादशाह हूं। सुना है तुम मुंबा कबीले के सरदार हो और सुंगू कबीले के साथ तुम्हारी दुश्मनी चल रही है। तू कैसे जानता है? देखो जंगा, समझदार शिकारी को जानवर की हर नस का पता रखना पड़ता है। सुंगू कबीले के साथ हमारी दुश्मनी शुरू हो चुकी है। उन्होंने हमारे दो आदमी बड़ी बेरहमी से मार दिए हैं। देखो काम की बात करो, हमें सुंगू कबीले का खजाना चाहिए। खजाना लूटेगा? जानता नहीं, उस खजाने पे हमारे कबीले का आधा हक है। तूने ये कैसे सोचा? ओहो जंगा साहब, मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। अपने हिस्से का खजाना तुम रखो भाई, हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हमें सुंगू कबीले का खजाना चाहिए, फिर तो आपको कोई इतराज नहीं है ना। ये ठीक, पर वो खजाना लूटना इतना आसान नहीं है। अरे पहलवान साहब, इसे तो बुलाया आपको हमने, आपके लिए कौन सा काम मुश्किल है? देखो इस काम की मतलब 2 लाख, ये 10,000 अभी रख लो, बाकी काम होने पे। अरे रख लो, पैसे की हर आदमी को जरूरत पड़ती है, चाहे वो जंगल में रहे या शहर में। और फिर बड़े लोग कह गए हैं कि आई हुई लक्ष्मी को ठुकराते नहीं। अरे रख लो। ठीक है, इन रुपयों की हमारे कबीले को भी जरूरत है। क्या बाबा, ये जंगली को इतना रुपया देता जी? अन्ना स्वामी, बड़ी मछली पकड़ने को तुम्हारे जितना बड़ा चारा लगाने को पड़ता है। जाओ जाके तारीख बोतल लेके आओ, तोड़ गया वो। अच्छा जी, लाता जी। देसी नहीं है माँ, ये चाहे जो कोई भी हो, इसकी नीयत ठीक नहीं है। बिजली बहस मत कर, अपने पारे से कह हट जा, उसे बाहर आने दे। तू अपनी माँ का कहना नहीं मानेगी? पारस बाजू हट, पारस, अरे हट जा पारस। अपनी माँ का कहना नहीं मानेगी तू? ठीक है पारस, हट जा वहाँ से। जवान, तुम किसके बेटे हो? कौशल्या का बेटा। कौशल्या? मुंबा कबीला? हाँ याद आया, इसकी माँ ने तो बहुत साल पहले अपने मुंबा कबीले वालों से मेरी जान बचाई थी। इसे बाहर निकालो। ए बिजली, तेरी माँ ने मेरी जान बचाई, इसके लिए चुप हो। बस हो गया, अब रुक जा। बड़ा करारा मर्द है साला। बिजली पागल हो गई है क्या? अरे बेटा छोड़ दे, छोड़ दे। और अपनी माँ से कहना मंदरा तुम्हें बहुत याद करती है। जा बेटा, माँ देवी तुम्हें सुखी रहे। आय हाय, ले
लड़की ने टांग मारी और तू गिर गया। कैसा मर्द है रे तू? कौन है तू? क्या चाहती है? मैं रूपा। इतनी सुनसान जगह, तू अकेला, मैं अकेली, फिर भी पूछता है मैं क्या चाहती हूँ? मैं कुछ समझा नहीं। बहुत भोला है रे तू, मुझे अपनी बाहों में भर ले, प्यार कर, सब समझ जाएगा। देख रहे, ये सब हरकतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे गुस्सा मत दिला। गुस्सा क्यों करता है रे? प्यार करना, ये रूपा तो तेरी दीवानी हो गई है। चंगा औरत जात पर बुरी नजर नहीं डालता। तो प्यार की नजर डालना, जरा मेरी तरफ देख। मेरी जवानी तेरी बाहों में आने के लिए तड़प रही है। सुन जंगा, अगर तेरी जवानी के अंगूर मैं नहीं खा पाई तो किसी और लोमड़ी को भी नहीं खाने दूंगी। मंदिरा, जब जंगा ने बताया कि तूने उसकी जान बचाई है तो मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। अरे मुझे भी तो तुम्हारी बहुत याद आती रही कौशल्या, बहुत याद आती रही। क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं बहन? पूछ। क्या खजाने की दौलत तुम कबीले पे खर्च करना चाहती हो? नहीं तो, ये तो माता रानी की अमानत है। तब तो ये दोनों कबीले के बीच लड़ाई किस लिए? देवी माँ हमारी भी तो है, हम ये आधा खजाना लेकर क्या करेंगे? अरे वाह कौशल्या वाह, बहुत समझदारी की बात की है तुमने। बेकार में हमने अपने अपने सुहाग खोए, दोनों कबीलों के कितने नौजवान इस दुश्मनी में मारे गए। आज से हम दोनों कबीलों की दुश्मनी खत्म करते हैं, आज से हम एक हैं। अब हम दोनों कबीले मिलकर खजाने की रक्षा करेंगे। अरे कौशल्या बहन, तुम नहीं जानती, अब तो शहरी लुटेरों की बुरी निगाहें भी इस खजाने पर लगी हैं। अरे यही तेरी बेटी बिजली है? हाँ यही मेरी बेटी है। क्यों ना हम हमारी पुरानी दोस्ती को रिश्ते में बदल दे? तूने तो जंगा को देखा ही है, मैं जंगा के लिए तुम्हारी बेटी बिजली का हाथ मांगती हूँ। अरे कौशल्या बहन, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी, दिल की बात। बिजली, बिजली, शर्म आ गई। हाँ।
आ गई माँ। अरे बेटा, मैं मंदरा से मिलने गई थी। मैं आज तेरा रिश्ता भी तय कर आई हूँ बिजली से। बड़ी प्यारी लड़की है वो। कहाँ खो गया तू? क्या तुझे ये रिश्ता पसंद नहीं है? अरे नहीं नहीं माँ, तू जो भी करेगी अच्छा ही करेगी ना। हाँ बेटा, इस तरह दोनों कबीलों की पुरानी दुश्मनी खत्म हो जाएगी। अब तू एक काम कर, उन शहरी लोगों का पैसा उनके मुँह पर फेंक कर आ जा। माँ यही तो परेशानी है, मैं उनसे वादा कर चुका हूँ। मैं भी तो मंदिरा से वादा कर चुकी हूँ। वो लोग तो लुटे रहे हैं जो तुझसे पाप करवाना चाहते हैं। ये तो देवी माँ की कृपा है कि हम होने वाली बर्बादी से बच गए। अब जो मैं कह रही हूँ वही कर, जा। ठीक है माँ, मैं उनके रुपए भी लौटा देता हूँ और उन्हें जंगल से भी भगा देता हूँ। अब तो तू खुश है ना? हेलो। हाँ माइकल, बादशाह भैया। हाँ, हम अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं। यस वेरी सून, एक बेवकूफ जंगली हमारी मदद कर रहा है। हाँ, बहुत जल्द खजाना हमारे हाथ लग जाएगा। बादशाह, ये ले अपने रुपए और खजाने के बारे में भूल जा। अपना बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से चले जा। नहीं जाऊंगा तो क्या कर लेगा? खजाना किसी बाप का है, पकड़े से। Thank you.
देख, आज के बाद अगर तू इस जंगल में दिखाई दिया तो जान से मार डालूंगा। चल निकल यहां से। कौन है तुम? विकराल, आप ही की तरह जंगा का दुश्मन। क्या चाहते हो? वही जो आप चाहते हो। अगर आप हमारा यकीन करें और हमारा साथ, तो हम जंगा का नामो निशान मिटा सकते हैं। जंगा के साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी है? मेरा बाप मुंबा कबीले का सरदार है। जंगा की मौत मेरा हक मुझे वापस दिला सकती है। आदमी ताकतवर लगते हो। अगर अकल और ताकत मिल जाए तो कमाल हो सकता है। बिल्कुल, मेरा एक हम शक्ल जुड़वा भाई भी है, जो जंगा का जिगरी दोस्त, नवाकूल बेवकूफ गधा कांगो। तुम्हारा जुड़ा भाई है, हम शक्ल है, दाढ़ भी है, बाल भी तुम जैसे। अरे नवाकूल बहुत काम आ सकता है हमारे। कैसे? देखो, तुम उसकी जगह कभी भी कबीले में जा सकते हो और कबीले के पास हम तक पहुंचेगी, उन्हें कुछ पता भी नहीं चलेगा। अरे वाह। लेकिन दोस्त, यहाँ से निकलने का बंदोबस्त करो। जंगा कुल आपको मैं ऐसे छुपा के रखूंगा, आपके दुश्मनों को कानों कान खबर तक नहीं होगी। क्या नाम बताया था? विकराल। जय विकराल। उठाएंगे अपने। अच्छा, इसके आगे गाड़ी नहीं जा सकती, इसके आगे पैदल ही चलना पड़ेगा। गाड़ी रोको चालक, आओ मेरे पीछे आओ। बड़ा विकट जंगल है। ये वो जगह है जहां से बिजली का सुंगू कबीला बहुत नजदीक है। यहां से हम उस पे नजर रख सकते हैं। जगह अच्छी है और सुरक्षित है। हाँ, शुक्रिया। टेंट लगाओ। चल फेंको बम वहां पे। पूरी आग लग गई है। अरे विजय, हिम्मत से तुम्हारा मुकाबला कर। कमाल है यार, इतनी आग लगी फिर कोई बंदा नजर नहीं आ रहा वहां पर। अरे यार, सबके सब मर गए, बादशाह बोलेगा कौन। अरे नहीं, मुझे दाल में कुछ काला नजर आता है। हाँ, कुत्ता भी नजर नहीं आता वहां पर। अरे अरे, ये तो जहरीले तीरे बादशाह, भागो। कहाँ भाग रहे हो आरामखोरो? मां का दूध पिया है तो रुक जाओ। बिजली से मुकाबला करने आए हो कुत्तों? अंधा है क्या? अंधा है क्या? अरे चमक रही है, चम चम चम, चांदनी रात की तरह। किधर से आ रहा है तू? नीचे से। तेरा नाम क्या है? रूपा। हाँ? रूपा। रूपा, रानी रूपमती, रानी रूपमती। ये क्या है? ये सूत है। क्या सूत? अरे ये ऐसी होती है, मैंने तो देखी नहीं आज तक। बहरे कहीं के सूत है ये, सूत। मैं कहती कुछ हूँ और तू सुनता कुछ है। देख, मुझे गुस्सा मत दिला, भाग यहाँ से। तूने मुझे मारा। मैं जंगा का दोस्त कांगो, बहुत बलवान, बहुत खतरनाक। जंगा फाड़ के रख देता हूँ। जंगा, अरे अरे कांगो, मैं तो मजाक कर रही थी।
कितना प्यारा लगता है रे तू। तू भी तो बहुत प्यारी लगती है। और तेरी ये दाढ़ी कितनी प्यारी है। तेरा गाल कितना प्यारा है। और तेरा ये पुंदा। और तेरी ये पुंगी। कितना प्यारा। अच्छा ये बता, तू मेरा एक काम करेगा? करूंगा, 100 बार करूंगा। देख, तू जंगा से जाकर कह दे कि कल सुबह नदी पार बिजली से आकर मिले। कह देगा? 100 बार बोलूंगा। 100 बार बोल देगा? मगर तू ये बता, एक ही बार बोल देना। हाँ एक ही बार बोलूंगा, मगर तू बता तू मुझसे कब मिल रही है और कहाँ पे मिल रही है। ऐसा करते हैं, कल शाम को यहीं पर मिलते हैं, ठीक है? अब जाना। तेरे घर। मेरे घर? और हाँ भूल मत जाना, जंगा से कह देना। हाँ कहेगा ना? हाँ बिल्कुल कह दूंगा, बिल्कुल भूलूंगा नहीं। अब जाना। हाँ जा ही तो रहा हूँ। माफ करना बिजली, जरा देर हो गई, कहीं तू नाराज तो नहीं हुई? अरे तू, बिजली कहाँ है? मेरे अंदर की बिजली देखना कैसे चमक रही है। ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। तो जो तुझे अच्छा लगता है वो करना, यहाँ कोई नहीं आएगा। छोड़ मुझे। चंगा रुक, मुझे मत ठुकरा। देख बिजली और मेरी शादी पक्की हुई और तू उसकी अच्छी सहेली, ये सब तुझे शोभा नहीं देता। ऐसा क्या है बिजली में जो मुझ में नहीं है? शर्म और हया। रूपा, ये सब क्या हो रहा है? मैं जंगल से प्यार करती हूँ। तू और प्यार? जंगल में जवान मर्दों की कमी हो गई थी क्या? तुझे कमी थी क्या जो तूने इसे फांस लिया? पता नहीं। आ? 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 जाओ बिजली, बिजली अब बहुत हो गया, अब यहां से घर चलो। रूपा, रूपा, अरे कहां रह गई कठोर, अब तक नहीं आई, मैं कब से मचा रहा हूँ शोर। रूपा, आए हाय, इतना क्यों चिल्ला रहा है रे, पार्टी मिले। अरे क्या ये भी नहीं करने देगा क्या? अरे तू कहाँ से टपक पड़ा? आए हाय, ये लो, एक घंटे से चिल्ला रहा है माटी मिले और पूछता है कहाँ से टपक गए हो। अरे तू भाग गया यहाँ से, मैं अपनी रूपा को प्यार करता हूँ यार। आए हाय मेरे राजा, आंखें बंद करके प्यार करना शुरू कर दे, फिर तेरी रूपा क्या और मैं क्या दोनों बराबर है। आए हाय, अच्छा आए हाय, तुझे छोड़ूंगी तो प्यार कैसे करूंगी मेरे राजा, मेरे राजा। महारानी देखो,
बात तो सुनो समझो, मैं तुम्हें प्यार करूंगा, पर पहले मुझे ये तो करने दो। अरे बहुत जोर से लगी सुसु, मुझे शर्म लग रही, तुम उधर तो करो। अरे भाग कांगो, अरे हीरा तो मेरी इज्जत ले लेता, जान बचाना को बहुत देर लगा दी, कहीं ये करते करते लुढ़क तो नहीं गया। हाँ मैं देखती हूँ। हाँ हाय हाय, यहाँ बैठा है माटी मिले, गया था नंगा, आया काले कपड़े पहन के। हाय हाय, चल जल्दी कर, प्यार का मौसम निकल जाएगा रे। हाय दाढ़ी मुंडवा की ये मुच्छियाँ, हाय क्या मुच्छियाँ है रे तेरी। अरे पापा पापा, हाथ मुझ को हाथ मत लगाना। हाय हाय, ये मर्द की मुच्छे हैं, किसी हिजड़े की नहीं। प्रेम कुमार मूछ वाला नाम है मेरा, काम है मेरा ना मर्दों को मर्द बनाना। बोल, तुझे भी मर्द बना दूं? हाँ तू प्रेम कुमार मूछ वाला, अरे तुझे ही तो ढूंढ रही थी साल भर से, कहाँ था रे माटी मिले। आए हाय 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 हाय, मार क्यों रही है? आए हाय माटी मिले, कह रहा है मार क्यों रही हूँ। याद है साल भर पहले ही मेरी शादी हुई थी। हाँ रूप कुमार था मैं, याद है तेरे को, रूप कुमार था। शादी के बाद तूने कहा था ये जड़ी बूटी खा ले, और जड़ी बूटी खाकर तूने कहा था शेर जैसी ताकत आएगी। हाँ तेरी जड़ी बूटी खाने के बाद मेरा ये हार हो गया, देख रूप कुमार से रूपा बन गई। हाँ और जंगल में ताली बजाते हुए घूम रही हूँ। हाँ ले इस जड़ी बूटी को खाने के बाद तू फिर से मर्द बन जाएगा। हाँ हाय हाय, अब मैं तेरे चक्कर में आने वाली नहीं हूँ। हाँ पहले तू खा के बता माटी मिले। हाँ ठीक है। हाँ तू डर रही है, पहले मैं खाऊंगा। हाँ फिर तू खा। अब देख मैं कैसे मर्द बनता हूँ। हाय हाय, ये मेरे को क्या हो रहा रे? आय हाय तुझे ये क्या हो रहा रे? आय हाय, मैं भी प्रेम कुमार से लगता है प्रेमा बन रही हूँ। हाय बहना, अब क्या होगा? क्या होएगा क्या, मुझे हम उड़वाले दोनों मिलके थाली बजाते निकल जाएंगे। तेरे अंगना में हमारा क्या काम है, तेरे अंगना में हमारा क्या काम है, तेरे अंगना में हमारा क्या काम है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरु मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तोरी ओम पवित्र पवित्र सर्वसंग दुर्गा हे समृद्ध पुंडरीकाक्ष सवाई। एक दूसरे को देख लो, सर्व मंगल मंगल्य शिवे सर्वाधि साधिके करणे त्र्यंबके गौरी दादा इंद्रमूर्तये शुभकश्च दन्तश्च कपिलो गजगणकः शम्भुद्रो गिरिनाथो विनायकः धूमकेतुगणार्थे भालचन्द्रो व्यानरः द्वादशानि नामानि परसूर्यादिभिः। एक दूसरे को माला पहना दीजिए। आयुष्मान भवा, पार्वती भवा, सौभाग्यवती भवा। अपनी कबर खोद रहा हूँ, अपनी कबर। राजा। बाजा कहाँ बज रहा? बाजा बाजा नहीं, राजा। तू मेरी रानी, भरा के लाई पानी। अरे नाराज क्यों होता है, मैं तेरे लिए आज आ गई हूँ ना। तो कल कहाँ थी? नाराज मत होना। नाराज मत होना, मैं तुझसे ये कहने आई हूँ कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ। क्या हो गया? प्यार हो गया है, प्यार हो गया है, प्यार प्यार प्यार। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहा है? प्यार प्यार।
खुश होता है आदमी तो नाचता है ना। अरे रुक, हाँ क्यों रहा है? अरे जब कमर हिलाता हूँ तो हाँफना ही पड़ता है ना। कल तू जब कमर हिलाएगी तो तू भी हाँफेगी, और शादी के बाद हम दोनों जब कमर हिलाएंगे तो हम दोनों हाँफेंगे। अच्छा बोल, तू मुझसे शादी कब करेगी? नहीं प्यार करता है जितना मैं तुझसे करती हूँ। अरे मैं तुझसे जितना तू करती है ना उससे 100 गुना ज्यादा प्यार करता हूँ। अरे मैं तेरे लिए जान भी दे सकता हूँ। तू मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। अरे शादी तो हो जाए फिर तो मैं तेरा, देख मैं क्या करता हूँ, तेरे बर्तन भी साफ कर दूंगा। अरे तुझे ऐसी लोरी सुना सुना के सुला भी दूंगा, मैं तेरा पैर भी दबा दूंगा, तेरा बदन भी दबा दूंगा और तेरा सर भी दबा दूंगा, लेकिन एक काम वो नहीं कर पाऊंगा। कौन सा काम? अरे बच्चा पैदा करने का काम। वो सब रहने दे। क्यों? तू पहले मेरा एक काम कर दे तो मैं तुझसे झटपट शादी करूंगी। हाँ सच? झटपट? देख तुझे ऐसी चाल चलनी होगी जिससे कि बिजली और जंगा एक दूसरे से अलग हो जाए, करेगा ना? नहीं रूपा, मैं वो काम नहीं कर सकता। मैं जंगा से गद्दारी नहीं कर सकता, जंगा मेरा दोस्त है। तू मुझे और कोई काम दे दे, कोई भी काम दे दे। और कोई काम नहीं, तुझे यही करना पड़ेगा। नहीं नहीं मैं ये नहीं कर सकता। अरे अभी तो तू मुझ पर जान देने को तैयार हो गया था ना। हाँ जान तो मैं अभी दे सकता हूँ, जान देने को तैयार हूँ, मगर ये काम नहीं करूंगा। मैं जंगा से गद्दारी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। तो जा मर बेवकूफ कहीं का, तू ऊपर से प्यार करने चला था। रूपा 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 अरे ओ रूपा रानी, मेरा नाम तू कैसे जानता है रे? कौन है तू? अरे हवाओं से, रूपा रानी मेरा नाम बादशाह है। वही बादशाह जिसके दो आदमी बिजली के हाथों मारे जा चुके हैं। देखिए जंगा चाहिए हमें खजाना, तू खजाना लूटने में और बिजली को खत्म करने में हमारी मदद कर। हम वादा करते हैं कि हम तुझे जंगा दिलाएंगे और सुंगु कबीले का सरदार बनाएंगे। तुम कह रहे शहरी लुटेरे, तुम्हारा क्या भरोसा, तब बेईमानी कर जाओ। अरे रूपा ईमानदारी आजकल चोर और लुटेरों में तो रह गई है, अगर तुम्हारा साथ दे तो तू अपने मकसद में कामयाब हो सकती। मैं तैयार हूँ। ये भी नबाद, अब देखते बिजली कैसे कड़कती है और कहाँ कड़कती है। आओ देखो क्या मजा आएगा, मैं तुम्हारी पूजा करूंगा। बचाओ बचाओ। Mar!
दोबारा अगर दिखाई दिया जान से मार डालूंगा। मत विकराल से पन्ना, देख लूंगा तुझे। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तू मेरे पास तो आ, तू मेरे राजा।
देखिए, हाँ। मैंने इनके दोनों पैर से गोली निकाल दिया है, लेकिन उसका जहर पूरे शरीर में फैलता जा रहा है। मुझे जो करना था वो कर दिया है, अब आगे देवी माँ से प्रार्थना करिए बस। अपने सुहाग की रक्षा के लिए देवी माँ के दरबार में मैं इनके प्राणों की भीख मांगूंगी। हाँ बेटी, माता ही रक्षा करेगी।
कांगो साहब आइए, आपने तो आसान कर दिया हमारा काम। पकड़ लो इसे। अरे वो बड़ा फोड़ दूंगा। हाँ, अगर पास अरे बादशाह, अरे मैं बजरंग बली की जय। अरे तू मेरा बाल बांका भी नहीं कर सकता। अरे मैं कहता हूँ बांध दो साले को। अरे बादशाह तू मेरा बाल बांका चेला नहीं कर सकता। अरे रोवा तो उखाड़ नहीं सकता। अरे बेटा तू मेरा रोवा टेला भी नहीं कर सकता। अरे बच्चा, अरे तूने मुझे बनवाया ना तो देखना तेरे को भी बांध के नदी में फेंक दूंगा। देखना बजरंग बली कैसा के सुलाता मुझे। रूपा तू क्या गद्दार। अरे तूने जंगा पे हमला करवाया, तेरा ही हाथ है इसमें। अरे मैं तुझे क्या समझा था, तू क्या निकली। ये तो होना ही था, मैं जंगा से प्यार करती थी और जंगा बिजली से। अरे वाह, पहले जंगा से प्यार करती थी फिर मुझसे प्यार करना चक किया और अभी रावण से प्यार करती है। बादशाह ये तो बेवकूफ और पागल है, ये हमारे किसी काम का नहीं। अरे रूपा रानी, जिसे तू बेवकूफ पागल समझती है ना, ये हमारे शतरंज का अहम बोरा है, बहुत काम आएगा। समझ गया ना विक्राल। समझ गया। जंगल में विक्राल जैसा कर आई नहीं। अरे क्या बोल दिया मैं। वाह वाह, ले ले और पी और पी। क्या बात है। अब जरा दांत के दिखा यार। तुम बराबर तुम जरा पी, तुम मेरा पिया कर। अच्छा सो रहा है। तू कहाँ था इतनी देर तक, सब लोग तुझे ढूंढ रहे थे, कुछ खाया कि नहीं? कोई नहीं आया, कौन आएगा इतनी रात। दर्द थे इनके पैरों में और क्या, मर्द मेरा जंगा, दूसरा कोई होता तो अब तक राम नाम सत्य हो गया होता। जाओ बहन सो जाओ, मैं जागूंगा, ख्याल करूंगा इसका रात भर। जाओ जाओ। बार बच गया जंगा हमारे हाथ, मरता भी नहीं।
अरे रुपारा, अरे हमें उस खजाने तक ले चलना। मुझे तो सिर्फ इतना ही मालूम है कि खजाना अघोरी तालाब के अंदर किसी गुप्त जगह पर रखा हुआ है, लेकिन अंदर जाने का पता मुझे नहीं मालूम। वो तो वहीं चलकर ढूंढना पड़ेगा। लो कर लो बात। अरे हमने तो समझा था हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए, लेकिन अब लगता है जहां से शुरू हुए थे वहीं खड़े हैं। अरे और ऊपर आनी, कुछ सोचो, कुछ करो। उस जगह का पता इस जंगल में मुझे ही क्या, किसी को पता नहीं सिवाय बिजली के, क्योंकि बिजली ही हमारे कबीले की, सुंगू कबीले की सरदार है। बिजली बिजली बिजली, अरे बिजली कड़कना कम बंद होगी यार। वही तो बता रही हूँ, बिजली पूरनमासी के हर दूसरे दिन बाजार जाती है। सुना विकराल, तो कली बिजली को बाजार के अंदर पालतू बिल्ली की तरह दबोच लूंगा। अरे बादशाह, फिर देखना ये बिजली किस तरह चमकती है। अरे बिजली तू कहाँ जा रही है, आज तुझे बाजार नहीं जाने दूंगी इनके साथ। क्यों माँ? देख बेटी, हमारे कबीले के रिवाज के मुताबिक नई दुल्हन 40 दिन जंगल से बाहर नहीं जाती, और फिर बेचारा जंगा भी तो इस हाल में है। माँ ये लड़कियाँ मेरे बगैर बाजार कभी नहीं गई। वो तो ठीक है, एक काम करते हैं, ऐसा कर तू इनको अपना पारस भाई दे दे, वो इनकी रक्षा कर लेगा। ठीक है माँ, जब पारस इनके साथ है तो मुझे क्या चिंता है। जाओ। हे देवी माँ, इनकी रक्षा करना। क्या लगा है? ये ले लॉलीपॉप ले। लाला क्या लगता है? लगता तो यही है। लाला बाहर निकल, बिजली कब आएगी? ये तो सरकार से पूछो, इस इलाके में बिजली कब आएगी मुझसे क्या पूछते हो? अबे मैं उस जंगली लड़की बिजली की बात पूछ रहा हूँ, बोल कब आएगी? अरे जब आएगी तो थारे को दिख जाएगी भगवान जी। अबे मुझे उसे पकड़ के ले जाना है। अरे थारी पकड़ थकड़ में मेरी दुकान न बंद हो जाए भगवान जी। नहीं बंद होगी। अरे लड़कियाँ आ रही है। रामदीन ये सब ले जाओ और इनका सामान लाके रख दो। जी। और क्या चाहिए? ये अकाउंट का नंबर? नहीं मालूम। नहीं मालूम? अच्छा अपने अपने नाप का ले लो और अंदर जाके पहन लो। जाओ। आओ न सोई, अंदर चलते हैं। जरा ध्यान रखना। चलो न सोई, चलो मजा। लड़कियां अब तक नहीं आई, कितनी देर हो गई है। अरे चिंता मत करो माँ, आ जाएंगी। चिंता की तो बात है बेटी, अब तक तो उन्हें पहुंच जाना चाहिए था। पारस अकेला? लड़कियां भी साथ नहीं है। माँ तेरा शक ठीक था, बाजार में जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, लड़कियां बाजार में फंस गई हैं। तू फिक्र मत कर माँ, मैं हूँ ना। माँ अब मेरे पैरों में रिवाज की बेड़ियां मत डाल। माँ मुझे जाने दे।
कुछ सोच मत माँ, कुछ सोच मत, मुझे जाने दे। हाँ बिजली, तुझे तो जाना ही होगा, तू जा, जल्दी जा। चल पारस। हे देवी माँ। घाट में हमारी बुकिंग करा दे, हमारी मौत आ रही है। लाला जी, तुम्हारी चिता के साथ साथ हमारी भी चिता चलने वाली है, इसलिए मैं तो चला, बाहर में गई तारी नौकरी। अरे राम जी, पूरे वक्त का छोड़ के कहाँ जा रही है, तेरी पगार बढ़ा दूंगा। अरे जब जान ही नहीं रहेगी तो पगार का क्या करूंगा। अरे छोड़ के चला दे। अच्छा राम जी, चुपचाप बताओ लड़कियां कहाँ है। लाला जी सच सच बता दो, नहीं तो सांप डस के तुम्हारा राम नाम सत्य कर देगा। बता दो, बता दो। घबराओ नहीं, मैं आ गई। अब तुम लोग जाओ, नहीं हम घर नहीं जाएंगे, वहां तक कह देना मैं आ जाऊंगी। अच्छा तो ठीक है, चलो हम लोग जाते। बताओ कौन थे वो लोग, नहीं तो बादशाह नाम है उसका, उसी के आदमी थे सब। कह रहे थे बिजली को पकड़ना है, तुम नहीं मिली तो यहाँ अंधेरा करके चले गए। बादशाह, चल लाला बता बादशाह कहाँ छिपा है, चल। अरे यार बादशाह सच्ची में यार, हम लोग वहां से घबरा के भागे, सच्ची में इतना भयंकर सांप। अच्छी बोलता बाबा। ये जिस सांप की बात कर रहा है वो बिजली का पालतू सांप पारस है। सांप और पालतू है? पालतू ही नहीं, वो उसे अपना भाई भी मानती है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। सरदार बना देगा ना?
का अड्डा कहाँ है? वो रहा। भाग। भागो। पारस, खत्म कर दे इसे। मार डाल। अरे अब कहाँ आ रहा है ये? अरे अरे मारी अम्मा। आगे खाई पीछे ना आगे। अरे जा, अरे को जाने दे। अरे जा जा, अरे नागराज जा जा। अरे राम। हमको तो मजा आया जी। मैं क्या बोलता हूँ? अरे आओ मेरे रानी। बताओ कहाँ पाएं? बताओ बताओ। अरे बिजली। चुप। बादशाह भाई, बादशाह भाई, बिजली कांगो को लेकर भाग रहे जी। कौन? कांगो को छोड़कर बिजली ले रही कहाँ है? वो भाग रहे जी। अच्छा नहीं हुआ। और जाते जाते कांगो हथियार का एक बैग भी लेकर भाग गया। अरे यही तो मैं सोच रहा हूँ, वो हमारी तबाही का प्लान बना रहे होंगे। तो क्यों ना हम हमारा अड्डा बदल लें? हमेशा कल की बात करते हैं। हाँ, कोई जगह है ध्यान में? अरे मैंने तो इंतजाम भी कर दिया बादशाह। उखाड़ तंबू। चलो चलो। बदल दिया है पारस, आज तेरी बहन की इज्जत का सवाल है। मैं जानती हूँ पारस कि तू जिसे एक बार देख लेता है उसे कभी भूलता नहीं। मुझे पूरा यकीन है पारस कि बादशाह अगर पाताल में भी छुपा होगा तो तू उसे ढूंढ निकालेगा। तेरी मत कर पारस, ले चल जहाँ बादशाह छिपा है। क्या सीन है? फिर भी जाल में फंस गई। अरे क्या खेती मछली की तरह तड़प रही है रानी। देख बिजली, तुझे बादशाह से बचाने का कोई नहीं आएगा। सीधे सीधे मुझे खजाने का पता बता दे। कमीने, तू मुझ पर कितना भी जुल्म कर ले लेकिन खजाना तुझे हासिल नहीं होगा। अच्छा, बहुत बड़े बड़े बोल बोलती है।
रूपा, औरतों पे हाथ उठाना हमारी तहजीब के खिलाफ है। इससे बकवाओ कुछ। बता दे बिजली, खजाने का पता बता दे, वरना चाबुक से तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। पता बोल, बता दे क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी हुई है। बात 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 बात, नाजुक चमड़ी है, चल जाएगी। देख बिजली, मैं मानता हूँ तू बहुत ताकत वाली है, लेकिन ये दुनिया है ना, ताकत से नहीं, हम जैसे अकल वालों से चलती है। कमीने, मुझे एक बार खोल दे, अगर तुझे गुलाम ना बना दिया तो मेरा नाम बिजली नहीं। मुझे ये नहीं कि गुस्सा नहीं आता, लेकिन इतना भी नहीं आता कि मैं बेवकूफी कर बैठूं। देख अदालत तक ले चल मुझे। अरे मान जा, वैसे भी तुम जंगली लोग इस खजाने का करोगे क्या है? तुम लोग जंगल में घास फूस खाकर जंगली जानवर की तरह गुजारा कर लेते, मारे किस काम का? मेरे हाथ में गए, मैं शहर में जुए के खिलाफ चकला घर शराब खाने खोलूंगा। कमीने, वो देवी माँ की अमानत है, तो जैसे पापियों के हाथ नहीं लगने दूंगी। अल्लाह स्वामी, इसको एक तमाशा दिखाओ। तेरा कबीला तो क्या, मैं सारा जंगल चला के लाख कर दूंगा। एक पटाखों से कुत्ते डर कर भौंकना बंद कर सकते हैं, मेरी जैसी शेरनी नहीं। तू अरे बादशाह, अगर बिजली से इतना डरता है तो मुझे खोल, मैं तुझे ऐसी पटकनी दूंगा कि तेरी नारी याद आ जाएगी। बेटा खोल दो कांगो को। भाग गया, भाग गया, छोड़ दिया तुझे। डर गया, अलाज गया, तो मर गया। मर गया सर। अब बताएगी खजाने का पता। कैसा लगा ये तमाशा? राक्षस खजाना पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। बोलो बोलो। बताएगी ना? बताएगी, बताएगी, मान गई। बोलो इसे। आइए आइए रानी साहिबा। लेने आया, चलो सब चलो। रक्षा करना तो ही उसका बेड़ा पार कर सकती है। बिजली मेरा इशारा समझ गई है कि हम उसकी मदद को आ गए हैं। Thank you.
कहाँ गोल गोल घुमा रहे 6 घंटे से हमें? अरे हम लोग तो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, यहाँ से चलो। बादशाह वो रहा अकबरी तालाब। क्या बात है, अब तू जल्दी हमें खजाने की तरफ ले चल, फिर मैं तुझे आजाद कर दूंगा। बादशाह हम हो गए कामयाब। पता नहीं। अरे बिजली कोई रुकने की बीमारी तुझे, अब क्यों रुकी? पता नहीं यही कहीं होनी चाहिए सीढ़ियां। ए छोकरी ज्यादा नाटक मत करना, तेरे सारे कबीले को बम से उड़ा दूंगा समझी। वो रही। कहाँ रही? वो किधर? चल चल। धोखा है, हम जानते हैं पारस है तेरा भाई है, बोल से यहाँ से चले जाए, नहीं तो तेरे कबीले को हम बम से उड़ा देंगे समझे। हाँ उड़ा देंगे बम से, नहीं तो इसे भगा। लेकिन एक शर्त पर। क्या? रूपा से गाओ के रिवॉल्वर फेंक दे। बोल उसे जाने के लिए। पारस मेरे भैया, बहन का नहीं कहना मानेगा? यार जाओ रास्ते से। चल आजा। अब कोई खतरा नहीं। ये रहा खजाना। खजाना बादशाह। नाच। अरे नाच मेरी जान। नाच बड़ा हुआ इसने, क्या बात है। खोल देख जल्दी खोल बादशाह। अपने पड़े खजाना कहाँ है? अरिया कहाँ गया खजाना? बोल कहाँ गया खजाना? बोल। मुझे क्या पता, खजाना तो इन्हीं संदूकों में था। झूठ बोलती है, बोल कहाँ है? बिजली तूने मेरे दोस्त को धोखा दिया, मैं तुझे कच्चा चबा डालूंगा, काट डालूंगा। बोल इधर से काटू इधर से काटू? बिजली आजा। अच्छा खजाना जरूर कबीले वाले ले गए। चल बादशाह जल्दी चल आजा। अरे बादशाह हमें तो लगता है हम लोग कबीले के नजदीक पहुंच गए यार। हाँ देखना इसका मतलब खजाना कबीले में। हाँ और क्या, जब तक बिजली हमारे कब्जे में खजाना कहा जाएगा? वाह उनका सरदार तो हमारे कब्जे में है। वाह वाह क्या बात है। ए बिजली कबीले वालों से कह दे हमें खजाना दे दे, वरना आज हम तो छोड़ेंगे नहीं। बोल। अरे सुंगू कबीले वालों, मेरी भाषा को समझे, तू इनको समझा,
कि इनके सरदार हमारे कब्जे में खजाना मिले। ठहरो, खजाना हम देते हैं, पहले रूपा बिजली को हमारे हवाले कर दो। उनको पूछो रूपा क्यों। रूपा कबच का बोची दो। क्योंकि रूपा हमारे कबीले की बागी है, उसे हम अपने कबीले के हिसाब से सजा देंगे। मंजूर है। बादशाह तू मुझसे गद्दारी करेगा? अरे गद्दार के साथ क्या नहीं करता, तू भी तो अपने कबीले के साथ गद्दारी करने जा रही थी ना। कितना कमीना है तू। अरे रूपा रानी, वो तो हम पैदाशी हैं। चल जाओ जाओ रूपा रानी, जाओ बिजली रानी जाओ। बोली बच्चा सब मर जाएगा। देखो तेल गरम करो, इनकी बलि चढ़ाई जाएगी। इन पर तेल डालो। लुटेरों, आप भी खैरियत चाहते हो तो रास्ते पकड़ कर ऊपर आओ। मेरी बेटी रूपा, आजी रूपा तुम इस तरह मुंह लटकाए क्यों खड़ी हो? अरे पगली, तुम पहले भी इस कबीले की बेटी थी और अब भी इस कबीले की बेटी हो। नहीं, मुझे मौत की सजा दे दो माँ, मैं अपराधी नहीं हूँ। पगली, हम आदिवासी बदले की भावना नहीं रखते। बेटी तुमने अच्छा किया जो इसे माफ कर दिया। अब चलो उन लुटेरों की बलि चढ़ाएंगे। बलि? अच्छा। चलो
सूरज की पहली किरण के साथ ही देवी माँ के सामने इन लुटेरों की बलि चढ़ाई जाएगी। क्षमा कर दो मेरी आदि अम्मा। Thank you.
Ah!